नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं छत में आई हूँ। अभी टाइम क्या हो रहा है, 5:30 के करीबन हो रहा होगा टाइम अभी। और यहाँ पर ना बिल्कुल अजीब सा मौसम हो रखा है। थोड़ी थोड़ी मतलब इधर उधर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप दिखाई दे रही है और आसमान में बिल्कुल काले बादल लगे हुए हैं। ये देखिए, इसमें इतने अच्छे से नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अजीब सा मौसम हो रखा है। आंधी सी चल रही है बहुत तेज और अचानक ही आया मतलब ये बादल अभी। और आजकल ऐसे अजीब सा मौसम हो रहा है, अचानक से बारिश शुरू हो जा रही है। देखना कितना तूफान आ रहा है तेज। देखो बादल कैसे जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे बादल बिल्कुल नीचे आ गए होंगे। बेला, उसको मन नहीं जाने का। तभी तो जब उसको मन नहीं होता तो वो ऐसे ही करती है। डांट क्यों रहे हम। हाँ यहाँ पर रावत जी ले रहे हैं गमले नहीं सॉरी पौधे। आदि वो कितने सारे पौधे हैं, अच्छे अच्छे पौधे, पाम ट्री। देख रहा था क्या चीज है, क्या है, घास है क्या। मेरे पे घोड़ा लात मारने का। आदि तेरा घोड़ा लात मारेगा। यहाँ पर दीदी भी आई हुई हैं पौधे लेने के लिए। दीदी ने तो ले लिया पाम ट्री। हाँ सही रहता है ये भी हरा हरा। ये भी पाम की तो वैरायटी है ना। जाला बनाते हैं ना, जाल बनाते हैं, उस जाल के अंदर अंदर बिल्कुल ऐसे शेप लेता है। हर ऐसे जाल जैसे हमने कुछ भी बना दिया, कुछ भी लिख दिया मतलब। कम है आपके पास वैरायटी ना। मतलब जाल मतलब कोई भी डिजाइन का बना दिया, स्टार बना दिया मान लो, उसके अंदर अंदर फैलता स्टार की कटिंग बन जाती। नहीं वो तो कुछ भी नहीं है खास। आदि इधर हो जाओ, घोड़ा लात मारेगा फिर इधर आ। देख बाइक आ रही है। गुलाब देख लो ना, गुलाब नहीं हमारे पास। बाकी तो है ही, ये तो वही है ये। हाँ पीले पीले फूल से होते ना इनपे। सारे पौधे ले लिए हैं और अब उसके बाद दूसरा रेड़े वाला भी रोक दिया है पौधों का, अब उससे भी लेंगे कह रहे हैं। पापा प्लाट पे छोड़
अब इनसे भी चार पांच ले लिए हैं। बस इनको इतना शौक है मतलब पौधों का कि सोचते हैं मतलब मैं सारा ही ले लूं। ये देखना फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल को पता नहीं क्या हो गया, ये खराब हो गया है। पहले यहाँ पर हल्का सा इधर से आया था ब्लैक स्पॉट, और ये धीरे धीरे फैलता गया, ऐसे करके सारा फैल चुका है। जैसे कि कोई भी ऐप चलाओ तो इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। ऐप चल रही है लेकिन दिख नहीं रहा कुछ ढंग से। हाँ मतलब वो है कि नीचे का शो ही नहीं हो रहा, और कई चीज होती है कि जैसे हमको कुछ देखना चाहते हैं तो बड़ी दिक्कत आ रही है, और जैसे वीडियो वगैरह बनानी है जैसे देखो अगर मैं ऐसे करके वीडियो बनाना चाहती हूँ तो ये आधा हिस्सा तो इसमें ये हो जा रहा है। ये देखो ऐसे हो गया मेरा, ये धीरे धीरे बढ़ता गया थोड़ा थोड़ा करके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लगभग तीन चार दिन में वीडियो नहीं डाल पाई, जैसे कि मैंने आपको छोटी सी क्लिप में दिखाया है कि फोन की स्क्रीन कैसे खराब होती जा रही थी। धीरे धीरे छोटा सा ब्लैक डॉट सा आया पहले किनारे से फोन में, और धीरे 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 बढ़ता गया और पूरे फोन की स्क्रीन पे फैल गया, जिसके कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जैसे मैं वीडियो बना रही थी तो भी दिक्कत आ रही थी, और एडिटिंग करने में भी दिक्कत आ रही थी, तो मैं नहीं कर पा रही थी। और फ़ोन को ठीक करवाने के लिए जब मतलब सर्विस सेंटर में लेंगे तो उन्होंने कहा दो तीन दिन लगेंगे, और अंशिका के चल रहे थे ऑनलाइन पेपर क्योंकि उसके हाफली एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, और उसके कारण मतलब डेली एग्ज़ाम था, और इसी फ़ोन में सारा स्कूल का जो भी वर्क है और लिंक भी इसी में आता था, तो उसके कारण मुझे यह था कि चलो पेपर निपट जाएंगे तो तब तक काम चल जाएगा और तब तक पेपर भी निपट जाएंगे। पर पेपर मतलब हुए भी नहीं थे और स्क्रीन पूरी खराब हो गई, मतलब जैसे उसका टेस्ट आता था उसमें तो वो कर देख नहीं पाती थी स्क्रीन में कि मतलब ढंग से। तो मैंने तब इसे बाहर से सर्विस सेंटर से तो नहीं करवाया ठीक, मतलब बाहर की दुकान से ही ठीक करवाया, तो उन्होंने एक दिन में ठीक कर, और जो फ़ोन का था डाटा वो भी नहीं गया, मतलब सब कुछ फ़ोन में ही सेफ था, कोई सिर्फ उन्होंने स्क्रीन चेंज कर दी। तो पता नहीं क्यों स्क्रीन में थोड़ा सा आया डॉट और वो बढ़ता गया, या तो हो सकता है वैसे गिरा भी नहीं है कहीं पर वैसे आदि लेकर घूमता है, क्योंकि जैसे ही किसी का भी फ़ोन आता है तो वो लेकर भाग जाता है कि मैं बात करूँगा, और घूमता रहता है, या वीडियो कॉल वगैरह आएगी तो वो तो भी बस ऐसे 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 लगा रहेगा फ़ोन में, और हमें भी नहीं देता बात करने के लिए। जब फ़ोन आता है तो तब तो उसे ज़रूर ये होता है कि उससे ही चाहिए फ़ोन, मैं बात करूँगा बस, तो उस वो फ़ोन लेकर भाग जाता है। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, कुछ कह नहीं सकते। और अभी फ़ोन को एक साल भी नहीं हुआ था, तो इसके कारण मुझे नया फ़ोन लेना भी सही नहीं लगा। रावत जी तो कह रहे थे कि नया ले लेते हैं, कह रहे इतने की स्क्रीन चेंज करवाएंगे तो इससे अच्छा नया ले लेते हैं, तो मैंने कहा नहीं अभी तो मन नहीं मानता इतनी जल्दी, कम से कम तीन चार साल हो जाए फ़ोन को तो तब तो ये लगता है कि हाँ भाई कुछ चला लिया है, तब तो चेंज भी करो, इतनी जल्दी कहाँ मन मानता है। तो मैंने कहा ना स्क्रीन ही आप चेंज करवा लो। तो ये सब दिक्कतें तो लगी ही रहती हैं, तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करने जा रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा कर ऑल सेलेक्ट कर देना, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कर देना। मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।